हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको टेरेस गार्डन व्यू दिखाऊंगी और वो भी प्लांट के नेम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मोरपंख से। ये देखिए मोरपंख के प्लांट है जिसे तूजा प्लांट भी कहा जाता है। देखिए कहा जाता है इस प्लांट के बारे में, अगर घर में रखते हैं तो बहुत ही लकी प्लांट है। और ये देखिए ये फोरविया मिली के प्लांट है, ऑरेंज कलर वाले इसमें फूल आते हैं। मैं इसकी कटिंग लगाई थी और ये कटिंग पूरी तरह से लग चुके हैं देखिए। और ये सभी देसी रोज के प्लांट हैं। और ये अलमांडा देखिए, अलमांडा की भी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए कलांचो, ये कोलियस है। और ये देसी रोज के प्लांट हैं देखिए, पिंक कलर वाले, ये भी देसी रोज, ये भी देसी रोज, और ये भी देसी रोज के प्लांट हैं। ये देखिए बटन रोज है और ये भी देसी रोज के प्लांट है। ये मोरपंख है और ये देखिए ओलियंडर हैं वाइट कलर वाले, ये हिबिकस। उधर 9 o'clock है। और ये देखिए अमरंथ ट्राई कलर, देखिए इसके पत्ते रेड कलर के, इसमें फूल भी आते हैं, देख सकते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने में। और ये देखिए कॉपर लीफ प्लांट है। ये देखिए वाल्सम की प्लांट है, ये रोहियो प्लांट है देखिए। और ये देखिए फोरविया मिली के पिंक कलर वाले, ये अजवाइन का पौधा है, ये देख सकते हैं इसमें फूल भी आ रहे हैं। ये बोगनविलिया है, ये कॉस्मस, ये हिबिकस वाइट कलर वाले, ये कोलियस। और ये देखिए ये पुदीना जिसकी मैं कटिंग लगाई थी, ये देखिए सदाबहार हाइब्रिड वाले हैं जिसे मैं कट कर दी हूँ। ऊपर से ये ब्रांच सूख रहे थे। ये जेट प्लांट, ये भी जेट प्लांट, ये मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगाई थी। यहाँ देख सकते हैं जोरों की बारिश हुई है, सुबह से ही बारिश हो रहे हैं। और ये देखिए ये प्लांट है डेविल्स बैकमोन की कटिंग लगाई थी, ये भी कटिंग लग चुके हैं। ये कॉपर लीफ के कटिंग लगाई थी, देखिए ये भी कटिंग लग चुके हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखिए फ्रेंड्स ये सिलोसिया के प्लांट है। इसका एक और नाम है लोकल भाषा में, मैं इसका नाम भूल रही हूँ। ये देखिए इसमें पिंक कलर के फूल आते हैं। और ये देखिए एक जोरा के प्लांट हैं। और ये देखिए नाइट जैस्मिन, देख सकते हैं इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। और इसमें एक बालसम के प्लांट अपने आप ही ग्रो कर गए हैं, शायद सीड होंगे। और ये देखिए हर सिंगार के प्लांट हैं। और ये देखिए ये पाम ही है लेकिन इसे फोनिक्स पाम कहा जाता है। ये प्लांट आउटडोर में ग्रो करने वाले प्लांट हैं। और ये देखिए चाइनीज हिबिकस हैं। और ये देखिए मोगरा के प्लांट हैं, वो पर्पल हट, ये सभी ये सिलोसिया ही हैं। एक कामनी के प्लांट हैं और इसका नाम मैं भूल रही हूँ, आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताएं। ये चाइनीज जैस्मिन इसे कहा जाता है, इसमें भी फूल आप देख सकते हैं गुच्छों में आते हैं। ये लेडी पाम। और ये देखिए करी पत्ता है, देख सकते हैं। ये कैना लिली के प्लांट हैं, ये हिबिकस। और ये गंधराज के प्लांट हैं। और ये इसका इस प्लांट का नाम मैं अभी हाल फिलहाल इसका मैं लगाई हूँ नर्सरी से लाकर, मैं भूल रही हूँ, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। और ये देखिए यूका प्लांट जिसे मैं कटिंग कर दी थी लेकिन इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है।
और ये देखिए ये पत्थर चट्टा है, देख सकते हैं। ये बहुत ही कहा जाता है इस प्लांट के बारे में, अगर इसको पथरी गॉल ब्लडर में पथरी है या किडनी में अगर इस पत्ते को खाते हैं तो पत्थर को गलाने में हेल्पफुल होते हैं ये पत्ते, पत्थर चट्टा। ये देखिए ये गुलदौदी है किस्थमम, और ये देखिए लिली एमरस लिली, और ये देखिए पुदीना, और ये मैं साग लगा रखी हूँ, देख सकते हैं कितनी अच्छी से ग्रो कर रहे हैं। ये कोलियस है जिसकी मैं कटिंग लगाई हूँ ब्लैक कलर वाले। ये कैक्टस, ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग में लगा रखी हूँ। ये रेन लिली, और ये भी रेन लिली है, इसकी भी मैं कटिंग लगाई हूँ हाइब्रिड बिंका की। और ये देखिए साइगोनियम है छोटे पत्ते वाले, देख सकते हैं। ये देखिए मड़ुआ प्लांट, ये देखिए ये चाइनीज एवरग्रीन है। ये प्लांट शायद प्लूमेरिया है, और ये अजवाइन की कटिंग लगाई थी, ये हाइब्रिड बिंका, इसे भी मैं कट कर दी हूँ, ये भी हाइब्रिड बिंका। और ये देखिए कार्नेशन के प्लांट हैं, ये मेरे विंटर से ही चल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये केला, ये तुलसी, ये समी के प्लांट हैं, ये फुटबॉल लिली देख सकते हैं, ये देसी बिंका व्हाइट कलर वाले, इसका नाम भी मैं भूल रही हूँ, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। ये देखिए नवरत्न फ्लावर, ये मैं कटिंग से ग्रो की हूँ, देख सकते हैं ये पूरी तरह से प्लांट लग चुके हैं। ये देखिए अपराजिता, ये ब्लू कलर वाले अपराजिता हैं, और ये देखिए बेगम बहार, जिसमें देख सकते हैं इसमें फ्लावर भी बर्ड्स भी निकलने लगे हैं। चलिए और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ अभी भी देख रहे हैं हल्के हल्के बारिश हो रहे हैं। ये देखिए लेमन प्लांट, देखिए कितने सारे इसमें लेमन लगने शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं। देखिए ये अनार का पौधा है, ये देखिए ब्लैक कलर वाले मिर्च, इसमें मिर्च लग रहे हैं, इसमें मैं ग्रीन कलर वाले भी लगाई हूँ, इसमें भी मिर्च लग रहे हैं, ये भी मिर्च के प्लांट है। ये देखिए विंटर सीजन से ही मेरे डहलिया के प्लांट है जिसे मैं कट कर दी थी, देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये मैं बैंगन के प्लांट लगाई हूँ, और ये भी इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, देख रहे हैं बर्ड्स भी आए हुए हैं, ये पिटूनिया के ही वैरायटी है। ये मैं हिबिकस लगाई हूँ कटिंग, ये देखिए ये रजनीगंधा है जिसे मैं कुछ दिन पहले मैं खरीद कर लाई थी नर्सरी से, ये कुछ कटिंग लगे हुए हैं। और ये देखिए हिबिकस, ये पिंक कलर वाले हिबिकस है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे मैं कॉस्मोस और 9 o'clock लगा रखी हूँ, देख सकते हैं। और ये देखिए अलमांडा की मैं कटिंग लगाई थी, देखिए ये कटिंग भी लग चुके हैं, इसमें मेरे एक हिबिकस की भी कटिंग लगे हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए और ये पालक, ये देखिए कोटोन,
कुछ दिन पहले मेरी ये क्रोटॉन की स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन देखिए फिर से इसकी स्थिति ठीक हो गई है। ये चांदनी के प्लांट है, देखिए इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर और गुच्छों में आते हैं। ये मड़ुआ देखिए, इसमें ये सीड बिल्कुल तुलसी प्लांट जैसे दिखते हैं। ये मैरीगोल्ड है, ये शिमला मिर्च के प्लांट हैं, ये देखिए देसी कनेर हैं, ये सभी मिर्च के प्लांट हैं। और ये बैंगन देखिए, इसमें बैंगन लग भी रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए जिसे मैं छोटे से पॉली बैग में लगा रखी हूँ। ये मिर्च, ये मेडिसिनल प्लांट है, सीना के प्लांट, ये नागफनी, और इसमें देखिए हिबिकस लगे हुए हैं, मिर्ची हिबिकस। इसमें मैं पोई के साग लगा रखी हूँ, देखिए जिसे मैं रस्सी के सहारे चढ़ा रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको टेरेस गार्डन व्यू, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।